Good morning students, I hope you all are fit and fine. So students, today I am going to explain new book exercise of chapter number 7, that is A Trip to the Zoo. Students, previous video mein hum logon ne A Trip to the Zoo chapter read kiya tha. Yes, isme kya tha? Ki class ke students hai jo apni teacher ke saath, teacher ka naam kya hai? Mrs. Verma. उनके साथ वो कहाँ जाते हैं, स्कूल बस के थ्रू वो एक ज़ू में जाते हैं और ज़ू में जाते वक्त जब वो बस में बैठते हैं तो उनकी टीचर उनको कुछ स्टोरी सुनाती हैं, फैक्ट्स सुनाते हैं एनिमल्स के बारे में. यस, 45 मिनट्स पे वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं. वहाँ वो बड़ी बड़ी कैट्स देखते हैं, एप्स देखते हैं, ठीक है, और राइनोसॉरस भी देखते हैं. बेबी राइनोसॉरस को जोसेफ एक पेबल मारता है, जिस वो एक नॉटी बॉय रहता है, तो टीचर उनको उस बच्चे जोसेफ को स्कॉल्ड करती है, मतलब डांटती है, ओके. और फिर टीचर उनको बहुत सारी चीज़ें बताती है एनिमल्स के बारे में, और ये सभी बहुत मज़े की बात होती है. और वो लोग सभी बच्चे अपने स्कूल टीचर के साथ, अपने टीचर के साथ स्कूल बस में अपने स्कूल आ जाते हैं. यस, ये वाली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टोरी रीड करी थी. यस, सो आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. द चाइल्ड वेंट टू द ज़ू विथ हिज डैश. जो चाइल्ड था, बच्चा था, वो किसके साथ जो ज़ू गया था? बच्चों, क्लास के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. वो किसके साथ गया था? क्लास के साथ जो गया था. तो हम किस पर टिक करेंगे? ए पर. सेकंड, मिसेस वर्मा टोल्ड द चिल्ड्रन डैश अबाउट एनिमल्स. मिसेस वर्मा जो उनकी टीचर थी, उन्होंने बच्चों को क्या बताया था एनिमल्स के बारे में? स्टोरी, फैक्ट्स, और बोथ ए एंड बी. उन्होंने स्टोरी भी बताई थी और फैक्ट्स भी बताया था, इसलिए हमने किस पर टिक किया? सी पर. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 41. हियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज जोसेफ वॉज अ डैश बॉय. जोसेफ कैसा बच्चा था? मैडम, जोसेफ तो वही बच्चा था ना जिसने बेबी राइनोसॉरस को स्टोन मारा था, पेबल मारा था. हाँ, ये वही बच्चा था जोसेफ. तो जोसेफ कैसा बच्चा था? नॉटी, क्वाइट और काइंड. कैसा बच्चा था जोसेफ? नॉटी. तो हम ए पर टिक कर देंगे. ओके, नेक्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट, द चिल्ड्रन रीच्ड देयर डेस्टिनेशन इन हाफ एन आवर. क्या जो बच्चे थे वो अपने डेस्टिनेशन पर सिर्फ हाफ एन आवर में पहुंच गए थे? आधे घंटे में पहुंच गए थे क्या? नहीं, उन्हें तो 45 मिनट्स लगे थे. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. नेक्स्ट, गिबन्स, चिंपैंजीज एंड गोरिलास आर बिग कैट्स. क्या ये बिग कैट्स है? नहीं, ये तो मंकी की एक प्रजाति है, ठीक है, और वो जिन्हें हम एप्स बोलते हैं. तो ये बिग कैट्स है क्या? नो. तो ये हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट, आफ्टर लंच द चिल्ड्रन वेंट टू सी द राइनोसॉरस. क्या लंच के बाद बच्चे राइनोसॉरस को देखने गए थे? हाँ, पहले उन्होंने लंच किया था, उसके बाद वो राइनोसॉरस को देखने गए थे. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. तो हम टी लिख देंगे. नेक्स्ट है बच्चों, जोसेफ थ्रू अ सैंडविच एट अ बेबी राइनो. क्या जोसेफ ने बेबी राइनो के सामने सैंडविच फेंका था? नहीं, उसने तो पेबल फेंका था. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो हम क्या लिखेंगे? एफ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है, इस पर क्रॉस कर दीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 42. सो स्टूडेंट्स, मेक 4 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड राइनोसॉरस. इस वर्ड की हेल्प से हमें 4 न्यू वर्ड्स बनाने हैं. ओके, अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पर जो वर्ड है उससे एस ओ एन सन बन रहा है. यस, आई सी ई आइज बन रहा है. आयरन,
iron आयरन बन रहा है, हर her हर भी बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने अपने फोर वर्ड्स बनाए हैं इस वर्ड की हेल्प से, आप अपने अकॉर्डिंग फोर न्यू वर्ड्स बनाएंगे, ओके। और नहीं में बनते हैं तो आप यही वर्ड्स लिख दीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ वर्ड्स गिवन है, उसको हमको कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पर मैडम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होते हैं आपको पता है क्या बच्चों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं पता? देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या रहता है, जैसे कि आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़ी है, यस, कितने लेटर्स होते हैं? 26, ए टू जेड तक। स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट में ए के बाद ही बी आता है, बी के बाद सी आता है, ये क्या है? प्रॉपर ऑर्डर में है, ठीक है। आपको पता है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो इसे क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर भी हमको इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू अरेंज करना है, ठीक है। तो हमको पूरा वर्ड नहीं देखना है, हमको फर्स्ट लेटर देखना है। अब बताओ, सबसे पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट में? ए। तो ए से कोई वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है क्या? हाँ, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए, ए वाला एक्स। सेकेंड क्या आता है अल्फ़ाबेट में? बी। बी से कोई वर्ड है? हाँ है, बॉल। तो हम यहाँ पर बी सेकेंड पे लिख देंगे। बी के बाद क्या आता है? सी। सी से कोई वर्ड है? हाँ है, तो हम थर्ड पे सी वाला स्पेलिंग लिख देंगे। फिर आता है डी। डी से कोई वर्ड है क्या जिसका फर्स्ट लेटर डी हो? नहीं है। फिर डी के बाद क्या आता है? ई। ई से कोई वर्ड है? हाँ, यहाँ पर एक वर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर क्या है? ई है, तो एग लिख दिया। ई के बाद एफ, हाँ एफ है। एफ के बाद जी, जी है क्या? हाँ, तो जी लिख दिया। जी के बाद एच, एच ढूंढेंगे अब हम। एच ये रहा, एच से वर्ड यहाँ लिख देंगे। आई, आई है क्या फर्स्ट लेटर पे? आई है तो सही, पर फर्स्ट पे है क्या? नहीं, तो हमको फर्स्ट लेटर पे आई चाहिए। नहीं है। आई के बाद क्या था बच्चों? जे, तो हम जे ढूंढेंगे। यहाँ है जे, तो हम जे लिख देंगे। जे के बाद के, के ढूंढेंगे। क्या के फर्स्ट लेटर पे है? नहीं है, तो के बाद क्या आता है? एल, एल ढूंढेंगे। हाँ, यहाँ पर एल है, तो हम एल लिख देंगे। एम है फर्स्ट लेटर पे? नहीं है। एन, एन भी नहीं है। ओ, ओ भी नहीं है। पी, हाँ पी है, तो पी लिख देंगे हम। पी के बाद क्या आता है बच्चों? क्यू, क्यू ढूंढो। क्यू है क्या फर्स्ट लेटर पे? नहीं है, तो क्यू रहने देंगे। आर, आर है फर्स्ट लेटर देखना है? हाँ, आर भी नहीं है, तो एस देखेंगे। हाँ एस है, तो हमने एस लिख दिया। एस के बाद क्या आता है बच्चों? टी, टी ढूंढेंगे। हाँ है, टी भी लिख दिया। अब हमारे सारे वर्ड्स हमने अरेंज कर दिए। तो इस तरीके से जब हम किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के फॉर्म में, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, जिसमें हम उनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आपको आया समझ में? ठीक है, अगर आगे और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ओके बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 43। नाउ स्टूडेंट्स, सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सर्कल करना है सब्जेक्ट पे और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट्स पर, ठीक है, यहाँ सेंटेंस में। अब आप पूछोगे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं? बच्चों, सब्जेक्ट वो वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, ठीक है। जिस भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में, मतलब किसी भी नाउन के बारे में जब बात हो रही है,
वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और उसके बाद का जितनी भी चीज़ बचती है, जितने भी वर्ड्स बचते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? प्रेडिकेट की। ठीक है, फर्स्ट द प्रीटी गर्ल इज़ वियरिंग अ ब्लू ड्रेस। अब स्टूडेंट किसने ब्लू ड्रेस वियर कर रखा है? वियर मतलब पहनना, ठीक है, पहनना। तो प्रीटी गर्ल ने, तो द प्रीटी गर्ल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इस पर सर्कल और बाकी के सभी पर अंडरलाइन, क्योंकि ये क्या है? प्रेडिकेट है। नेक्स्ट द डॉग इज बार्किंग। कौन बार्किंग कर रहा है? कौन भौंक रहा है? डॉग। तो क्या आ जाएगा? द डॉग सब्जेक्ट और इज बार्किंग प्रेडिकेट। नेक्स्ट द गार्डनर वाटर्ड द फ्लावर्स। स्टूडेंट्स वाटर्ड मतलब पानी देना, और फ्लावर, फ्लावर को पानी कौन दे रहा है? द गार्डनर, माली। माली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डनर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट और बाकी का प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द डॉक्टर गेव मी अ पैक ऑन द बैक। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है? डॉक्टर के बारे में। तो द डॉक्टर क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट और बाकी के सारे वर्ड्स प्रेडिकेट की कैटेगरी में चले जाएंगे। अ ग्रीन फ्रॉग जंप्ड इन द पॉन्ड। पॉन्ड में किसने जंप करी? ग्रीन फ्रॉग ने। तो ग्रीन फ्रॉग सब्जेक्ट और बाकी के सारे वर्ड्स प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स मोस्टली टाइम ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ही होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स पर हमको अंडरलाइन सर्कल करना था और प्रेडिकेट पर हमको अंडरलाइन करनी थी। आपको समझ में आया? ग्रामर में अगर आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चैप्टर रहेगा तो मैं आपको और एक बार और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर 7 की बुक एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कोई डाउट और क्वेरी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट और क्वेरी रहती है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।